हेलो गाइस, वेलकम बैक टू धनी एक्सप्लोर। गाइस, आज मैं हूँ वार्सो में, जो कि पोलैंड का कैपिटल है, और यहाँ से मैं जाऊँगा गडांस सिटी में। गडांस सपोर्ट गदीनिया, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ट्राई सिटी है। ये तीनों सिटी की एक ही सिटी है, इसको बोलते हैं ट्राई सिटी। तो आज मैं जा रहा हूँ वहाँ बाई ट्रेन। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से ट्रेन का सफ़र कैसा है वहाँ तक, और कितना किराया है, कैसा है पोलैंड में ट्रेन में जो है सफ़र कैसे करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और अभी ट्रेन आने वाली है और फिर चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है वार्सोवा सेंट्रालना, जिसका मतलब हुआ वार्सो सेंटर, जो कि पोलैंड का कैपिटल है। वार्सो आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ से जो है मैं अभी ट्रेन में सफ़र करूँगा। ये स्टेशन के बाहर का व्यू है, ये आप देख सकते हो, ये सैमसंग की बिल्डिंग, ये पूरी यहाँ पर पूरा बाहर का व्यू मैंने थोड़ा सा ले रखा है। सो अभी अंदर चलते हैं और फिर थोड़ा सा अंदर का आपको सीन दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म में, स्क्रीन में जो है नाम आ चुका है ट्रेन का, जिस ट्रेन में मुझे जाना है। और अभी यहीं पर जो है कि ट्रेन आएगी, ये हॉर्स सुपर फास्ट ट्रेन है, ये लगी हुई है यहाँ पर, लेकिन इनमें से तो नहीं है, लेकिन जो मेरी ट्रेन है वो दूसरी आएगी, अभी इसी प्लेटफॉर्म में आने वाली। सो वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रेन स्टेशन के अंदर जो है लोग खड़े हैं, और बहुत कम लोगों ने मास्क पहने हैं, किसी ने नहीं पहने हैं। यहाँ पर अब कोरोना का इतना डर है नहीं, होपफुली क्या वैसे ही नहीं, केसेज बढ़े ना इंडिया की तरफ। तो ये देख सकते हो आप स्टेशन के अंदर का सीन। सो अब मेरी ट्रेन जो है आ चुकी है, और यही वो सुपर फास्ट ट्रेन है जिसमें मैं अभी सफ़र करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रेन आ चुकी है, और अभी भीड़ भाड़ बहुत कम है कोरोना के चक्कर में। तो अभी इसमें जो है आराम से आपको बताते हैं सफ़र कैसे होता है। ये मैं ट्रेन के अंदर जो है पहुँच चुका हूँ, ये आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊँगा ट्रेन के अंदर का सीन, और अभी जो है आराम से बैठ के फिर आपको पूरा जो है व्यू दिखा। जैसे कि आप देख सकते हो पूरी ट्रेन खाली है, लगभग खाली है, लोग आजकल सफ़र करने को भी थोड़ा डर रहे हैं। सो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, खाली ट्रेन में जाएंगे बैठ के भीड़ भाड़ से तो अच्छा है। सो अभी मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी है, कितनी हुई, लेकिन इसका किराया भी वैसे ही है। और 348 किलोमीटर यहाँ से जहाँ मुझे जाना है, और इसका सफ़र है अराउंड 3 घंटे का। हाँ, 3 घंटे का सफ़र, 3 घंटे में जो है पहुँचा देगी, 300 कुछ घंटे। बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब कि जैसे कि बस से या फिर लोकल ट्रेन से अच्छा है शायद, इसीलिए इसका किराया इतना ज़्यादा है। मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका किराया मुझे कितना पड़ा है वार्सो से और गदीनिया जाने का। सो जैसे कि इसका किराया है 150 ज्लोटी, 150 PLN। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताएं तो ये हो गया लगभग 3000 रुपये। सो 350 किलोमीटर का 3000 रुपये किराया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली 3 घंटे का, 3 घंटे में से 5 मिनट कम ही है लेकिन ज़्यादा नहीं है, 3 घंटे में जो है ये 350 किलोमीटर का सफ़र जो है तय करेगी। सो ठीक है, जिस हिसाब से कि किराया है, मैंने टिकट भी जो है अगर पहले से बुक कर दो तो सही पड़ती है, लेकिन मैंने एकदम 2 दिन पहले ही टिकट की, तो इसलिए शायद थोड़ा महंगी भी पड़ी। और ये आप देख सकते हो बाहर स्टेशन का नज़ारा, मैं आपको बाहर का सीन। सो अभी थोड़ा जो है बाहर का सीन इंजॉय करते हैं। क्या हरियाली है, बहुत ही अच्छी हरियाली है, और बहुत लंबा सफ़र है, तो बीच में जो है कुछ टाउन पड़ते हैं, तो शायद यहाँ पर खेतीबाड़ी भी होती होगी। मैं अभी तक घूमा नहीं हूँ, लेकिन इस बार प्लान है कि मैं गांव में जाके, जो पोलैंड के गांव है उसमें जाके कुछ वीडियोज वगैरह बनाऊँ। सो देखो, होपफुली अगर टाइम मिलेगा तो जाऊँगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये बाहर का नज़ारा है, जो मैं ट्रेन के अंदर से शूट कर रहा हूँ अभी। सो अभी जो है भाई साहब आए, और ये जो ट्रेन की तरफ से जो है एक बोतल पानी और एक मास्क दे दिए गए। तो पानी तो अभी नहीं पीना है ठंडा, क्योंकि मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, और ये मास्क जो है काम आएगा। सो ये ट्रेन में मिला, मुझे नहीं लगता आगे और कुछ मिलेगा, ये शायद मिलेगा अभी। तो देखते हैं, क्या पता कुछ और भी मिल जाए खाने पीने के लिए। तो फाइनली हम अपने शहर की तरफ आते हुए, ये गडांस गोमनी है, जो कि वार्सो से आते समय जो गडांस मेन सिटी है, तो ये मेन स्टेशन है यहाँ पर। और अब मेरे ख्याल से आधा घंटा या 40 मिनट में हम पहुँच जाएंगे।
मैं थोड़ा सा आपको गड़ांस दिखाऊंगा जितना यहाँ से दिख पाएगा स्टेशन। बाकी इसमें और भी मैंने वीडियो बना रखी है गड़ांस के, आप देख सकते हो नीचे वीडियो में जाके। ये जो है गड़ांस का जो सेंट्रो में गड़ांस सेंटर, ये यहीं पर पड़ता है। यहीं से जो है ट्राई सिटी शुरू हो गई है, इसके बाद आता है सपोत और उसके बाद आता है गदिनिया। लेकिन गड़ांस और सपोत के बीच में भी और भी स्टेशन आते हैं, और जो इसके बाद आता है मेन वो है सपोत और उसके बाद आएगा गदिनिया। सो देखते रहिए, आज मैं आपको पूरी ट्राई सिटी दिखाता हूँ ट्रेन के अंदर से। और ये है आपका गड़ांस ब्रिज, सामने बोर्ड लगा है अगर आपको दिख पा रहा है गड़ांस ब्रिज। यहाँ पर जो है दो बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। जब भी आपको अगर गड़ांस में शॉपिंग करनी हो तो ये दोनों जो है बहुत ही बड़े बड़े, एक का नाम है ग्लेरिया बाल्टिस्का और एक दूसरे का नाम है शायद ग्लेरिया मेट्रोपोलिया कुछ ऐसा करके नाम है, अभी दिख नहीं रहा है, मैं भूल गया हूँ, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आ रहा हूँ तो अभी मैं भूल गया इसका नाम। तो अगर कोई भी शॉपिंग करनी हो तो ये दोनों बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। और इसे थोड़ा आगे जाके जो है हमारा इंडियन स्टोर है, जहाँ पर कि आपको हर प्रकार की इंडियन चीज़ें मिलेंगी। और उससे आगे जाके जो है पॉलीटेक्निक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स हैं। और गडांस्क यूनिवर्सिटी जो यहाँ से थोड़ा आगे है, वहाँ पर भी बहुत इंडियन स्टूडेंट हैं। तो ये मेन सिटी जो है ट्राई सिटी का ही शुरू होता है गडांस से। एंड ये है सपोत, जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल काटे हैं। ये तो स्टेशन है, लेकिन बाहर जो है मेन मार्केट है। तो अगर आपको जो है कि ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, जो कि हम लोग यूरोप के बारे में सोचते हैं पार्टी क्लबिंग ये सब चीज़ यहाँ पर सपोत में होती है। तो जब भी ट्राई सिटी में आओ यहाँ ज़रूर घूमो सपोत में। सो गाइस, मैं फाइनली जो है अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे गदिनिया जाना है, तो ये आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हो गदिनिया घूमने का, मैं आपको दिखाऊंगा। ये है बोर्ड, ये गदिनिया घूमने का बोर्ड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 350 किलोमीटर का ये सफ़र था, और इसमें जो है कि 350 किलोमीटर का सफ़र था, ठीक 3 घंटे ट्रेनें लगाएँ। तो ये मैं आपको थोड़ा गदिनिया दिखाता हूँ, ये आप गदिनिया देख सकते हो थोड़ा यहाँ पर। और यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।